आइए आज हम दिखाते हैं जयपुर मंगलम सिटी कालवार रोड की दयनीय स्थिति, जो कि मंगलम सिटी गेट से जैसे ही अंदर घुसते हैं वहाँ पे हम देखते हैं ये नज़ारा कि ये लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पे बारिश होती है। न रोड की स्थिति ठीक है, न पानी की स्थिति ठीक है और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं जयपुर के मंगलम सिटी की स्थिति। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बीपी सिंह है, मंगलम सिटी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और वार्ड नंबर 13 का वार्ड। आज ये देखा जा रहा है कि जैसे ही अपने मंगलम सिटी में पूरी बारिश होती है तो पूरे हर जगह जो है पानी इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कॉलोनी जो है मंगलम सिटी 2004 की कटी हुई थी और 2004 की कटी हुई कॉलोनी है। उस समय कॉलोनाइजर ने, बिल्डरों ने जो है थोड़ा बहुत रोड बनाया था। उसके बाद 2004 के बाद जो है यहाँ पे कोई सड़क निर्माण या कुछ भी नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाएं मंगलम सिटी में आज कुछ भी नहीं है। आज देखा जाए तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति ये है कि ये आज एक झुंगी झोपड़ी से भी बढ़ के हो गई है। आज थोड़ी सी बरसात होती है और आप देख रहे हैं कि पूरे पानी 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 मतलब जल का संगम हो रहा है। और जैसे कि रोड के लिए हमने यहाँ के स्थानीय जो माननीय विधायक महोदय हैं, जो हमारे मंत्री महोदय हैं, सबके पास हम लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार दौरा है, बार बार गया हूँ और यहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं सभी लोग बार बार सड़क के लिए वो गए हैं, लेकिन हमें तो बस आश्वासन ही मिलता रहा। आज तक कभी सड़क निर्माण का कार्य कुछ भी नहीं हुआ। आज देखा जाए तो यहाँ पे जो सड़क की हालात हैं, सड़क की जो हालत है उससे यही दिखता है कि आज कोई भी प्रेग्नेंट महिलाएं ही हैं, उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे हैं, जगह जगह पे ये है, सड़क का तो कहीं नामो निशान नहीं रह गया। तो यहाँ के लोगों ने भी यही कहा कि जो हमारे स्थानीय जो MLA साहब हैं, माननीय जो मंत्री महोदय हैं, तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट की जाए। तो उनसे रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने काफ़ी बार उनके पास चले गए, आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता रहा और यहाँ तक कहा गया कि 2 किलोमीटर रोड आपका जो है वो पास हो गया है। अब 2 किलोमीटर रोड पास हो गया, वो कागज़ों में ही रोड पास होता हुआ दिखा। भाई हमारे पास जो पेपर आए कि इस क्षेत्र में कौन कौन सा रोड पास हुआ है, तो उसमें मंगलम सिटी का भी नाम था, मंगलम सिटी का नाम। और उस पर क्या है कि अपने माननीय MLA साहब के, PA साहब के हस्ताक्षर भी रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ें पेपरों में ही, कागज़ों में ही सिमटी हुई रह गई हैं, आज तक धरातल पे नहीं आई है। धरातल पे यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो हमारा अनुरोध है जो हमारे स्थानीय मंत्री महोदय हैं कि हमारे मंगलम सिटी में जो व्यवस्था है उसको देखें। यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं और सड़क तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मंगलम सिटी में आए दिन घटना दुर्घटना सब होती रहती है सड़क की वजह से। तो हमारा सब निवेदन यही है कि सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द करवा दें ताकि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं के नाम पे रोड जो आए दिन जो एक्सीडेंट होते रहते हैं उससे।